तो अभी एक दूसरा मोबाइल ऐड बना रहे हैं इसके ऊपर, इस तरह का किस तरह बना सकते हैं जिसमें थोड़ा सा कुछ ज़्यादा इस तरह का काम किया हुआ है, कुछ इस तरह की चीज़ें क्रिएट की हुई हैं। तो इस तरह का ऐड बनाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि देखिए, इसके अंदर पहले एक बैकग्राउंड पे एक तस्वीर लगी हुई है, तो डिज़ाइन में जाओगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर एंड टेक्सचर पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वर्क ऑफलाइन करेंगे। तो ये अच्छे से बैकग्राउंड और पिक्चर जो है आप यहाँ पे इस पर लगा लें। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, लेटेस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिफरेंट किस्म के फोटोज़ हैं मेरे पास, जो भी आप इसके बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो ये लगा देते हैं फोटो इसके बैकग्राउंड पे इस तरह से। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल्का करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर इंसर्ट लगाएंगे, एक शेप लगाएंगे और शेप लगाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको पकड़ के इस तरह से रख देंगे। फिर इस शेप पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप खुला हुआ ही होगा, अगर नहीं खुला हुआ तो आप यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ से क्लिक करके फॉर्मेट में और ग्रेडियंट्स में चले जाएँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रांसपेरेंसी पे और यहाँ से क्लिक करेंगे ट्रांसपेरेंसी पे इस तरह से, ये इस पर हल्का सा आ जाएगा, इस पर पर्दा सा आ जाएगा, इसके ऊपर ग्रे लगा देंगे तो इस तरह से। ठीक है, तो अब इसके ऊपर आपका टेक्स्ट वगैरह सही तरह दिखाना लग जाएगा। तो ये काम हमने इसके ऊपर इजीली कर लिया। कंट्रोल एस करके सेव कर दें फाइल को मोर ऑप्शंस में जाकर, और यहाँ से हम ब्राउज कर दें इसको और फिर डॉक्यूमेंट्स पर चले जाएँ और यहाँ पर जाके इसको हम सेव कर देते हैं पावर पॉइंट फाइल के अंदर, यहाँ पर जाके हम इसको सेव कर देते हैं हेल्दी। और क्लास हमारी ये जो है तकरीबन 13 के नाम से सेव कर देते हैं, सेव कर दिया। तो अब क्या करना है, अब ये करना है कि भाई इस पर इस तरह से कुछ शेप्स वगैरह हम बना लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, इस तरह का शेप हमें यहाँ मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप इस पर ड्रॉ कर लें शेप, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दें, यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है, और यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से क्लिक करके कंट्रोल डी कर दें, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक करके यहाँ रख लें इस पर इस तरीके से, कंट्रोल डी कर दें एक और डुप्लीकेट करके यहाँ पर रख लें इस तरीके से। तो तीनों को सेट करके अरेंजमेंट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके अरेंजमेंट पे अलाइन लेफ्ट कर दें। तो ये इस तरह से काम इजीली हमारा हो जाएगा, अगर इसकी आवाज़ चेक कर लो सही, ठीक है। तो ये काम इस तरह अरेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा एड्रेस के लिए हमने कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है, तो इनके स्पेस कुछ ज़्यादा है बीच के, तो थोड़े स्पेसेस कम कर लें आप एरो से, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको भी आप एरो दबा लें और फिर तीनों को सेलेक्ट करके तीनों के स्पेसेस को मैनेज करने के लिए अलाइन पे जाके डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो इक्वल स्पेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंसर्ट में जाके हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से क्लिक करके ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं और क्लिक करके फिर हम इस तरह से इसके ऊपर ये बना देते हैं, क्लिक करके यहाँ पे इसको रख लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इसको, क्लिक करके यहाँ पे इसको ऊपर रख लेते हैं, इसको ऊपर कर लीजिए और यहाँ पे रखते हैं इसको, यहाँ पर रख दीजिए, क्लिक करके यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे ले लीजिए इसके साथ और इसको यहाँ पर रख लीजिए, इसको क्लिक करके थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ मूव करना चाहें वैसे रख लीजिए ताकि आपको इस तरह से नजर आ जाए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अगर कोई फोटो वगैरह लगा रहे हैं तो अब देखिए, थोड़ा सा फोटो वगैरह लगाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से ज़रा नेट कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फोटोज हमें किस तरह का लगाना है, जैसे इसमें आपने देखा कि एक लड़की का फोटो इस तरह से लगा हुआ है, तो इस तरह का फोटो कैसे मिलेगा हमें और ये कैसे लगाया जाएगा। तो देखें, इसमें नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि सर्विसेज में चले जाएँ और यहाँ से अपना विंडोज़ अपडेट आप किस तरह से ऑफ कर सकते हैं, जो विंडो आपका बार बार अपडेट हो जाता है। तो ये आप करने के लिए यहाँ से सर्विसेज खोल लें, सर्विसेज खुल गया सर्विसेज, और यहाँ से विंडोज़ अपडेट पे जाइए, ये विंडोज़ अपडेट की सर्विस है, इसको यहाँ से डिसेबल कर दें और अब ये अपडेट नहीं होगा, ठीक है, क्लोज कर दें। अब आएंगे देखिए यहाँ पर, ये कि भाई ये फ़ोटो वगैरह लगाना है यहाँ पे किस तरह से अरेंज करते हैं। तो देखें, कुछ वेबसाइट्स हैं जिनकी मदद से हम ये काम ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे गूगल खोलते हैं और यहाँ से मैं एक दूसरा वाला अपना क्रोम खोल लेता हूँ, ये वाला, और ये खुल गया मेरे सामने, ठीक है। तो मैं यहाँ गूगल पर चला जाऊँगा, इंटरनेट थोड़ा जितना अच्छा चल रहा होगा उतना ज़बरदस्त काम करेगा, देखते हैं कितना काम कर रहा है। तो यहाँ पे दो चार वेबसाइट्स हैं, जैसे एक वेबसाइट है जो आपको फ्री फोटो की वेबसाइट सर्विस देती है, pixels.com, और एक वेबसाइट है जो आपको बैकग्राउंड रिमूव करने की फैसिलिटी देती है, remove.bg, ये वेबसाइट, दो वेबसाइट्स को आपने एक्सेस करना है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए कि भाई ये किस तरह का फ़ोटो चाहिए जो आपको किसी तरफ से ऑफर कर रहा हो, तो ऑफर यहाँ पे लिखते हैं ऑफर, ऑफरिंग, ठीक है, ऑफरिंग लेके कुछ इमेजेस लेते हैं। ये वेबसाइट भी जब तक खुल रही है, AI टूल है वो ज़बरदस्त किस्म का, और इसमें देखें तो ये आइए, तो इबादत करने को चला गया, सपोज टू बी सेलिंग
अब इस तरह के फोटो मिलना भी ज्यादा मसला होता है, गर्ल सेलिंग। ठीक है, थोड़ा गूगल पे सर्च कर लें, जैसे गर्ल सेलिंग ऑफर, उल्टा सीधा नहीं आ जाए तो यहाँ पे देखते हैं, ये वेबसाइट तो खुल गई है पर इसका काम तो बाद में शुरू होगा। गर्ल सेलिंग सर्च कर दिया इसके ऊपर, हाँ। तो इस तरह के फोटो चाहिए लेकिन इनके ऊपर सेल लिखा हुआ आ गया है, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये जैसे बेच रहा है लेकिन ये भी कुछ चीज कर रही है, ये वाला फोटो हमारे काम का लग रहा है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं और सच्चा फोटो, ये फोटो भी अच्छा था, हाँ ये भी फोटो अच्छा है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि कुछ खाने पीने की चीजें बेच रही है, ये भी ठीक है। ये सारे ये वाले ड्रेस पहन के बेच रहे हैं ना। चले कौन सा स्पेशल ऑफर लेके देखते हैं यहाँ से, ये सही है, ये सही है, ये कुछ बेहतर है आप, या ये वाला भी बेहतर है, तो इसको लेते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं, ये खुल गया, इसको मैंने यहाँ से लिया राइट बटन, और देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, रिमूव बीजी पे गया हूँ और यहाँ पे कह रहा हूँ अपलोड, नीचे ऑप्शन आ रहा है यूआरएल, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसको ओके कर दिया। ठीक है, तो ये अपना कारनामा अंजाम देना शुरू करेगा, बैकग्राउंड लगाएगा। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे डाउनलोड, डाउनलोड हो गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया, फिर फोटो को पकड़ा, पावर पॉइंट में लाए, आ जाओ बेटा, सही लग रहा है, समझ में आया कुछ पास? इस तरह से आप ये काम इजीली कर सकते हैं। अब इसका जो एक्स्ट्रा एरिया हमारे पास आ रहा है उसको हम यहाँ से क्रॉप कर देते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से निकाल देते हैं और ये क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये हमें ऑफर कर रहा है, यहाँ से हमने इसको थोड़ा छोटा कर लिया और यहाँ पे इसको हमने इस तरह से लगा दिया। ठीक है, अब वो आपकी मर्जी, यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, जैसे कि अगर आप ऐसे बताना चाह रहे हैं, मुझे यहीं पे सही लग रहा है क्योंकि नीचे से हाफ कट पे है ना, तो ये फिर वरना फिर वो अजीब दिखेगा उसके ऊपर, तो ये यहाँ पे लगा देते हैं इसको, ये इसको कह रही है कि भाई ये ऑफर, हाँ ठीक है, समझ में आ रही बात ये इस तरह से। अब ये मैंने कुछ शेप्स बनाए पावर पॉइंट के अंदर जिसके अंदर डेटा हम डालेंगे, तो इनको भी अच्छा सा डिज़ाइन वगैरह दे दें, तो यहाँ क्लिक किया हमने, एक डिज़ाइन सोच लेते हैं कौन सा अच्छा देंगे, कलर स्कीम भी देख लेते हैं, सही कलर स्कीम दे दी और उस पर वैसे अच्छा सा बड़ा बड़ा इफेक्ट यहाँ पे मिल जाता है इस तरह का, ये भी अच्छा लग रहा है। और अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा तो फिर यहाँ जाके ये वाला ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, जैसा अच्छा लग रहा है। 3D बनाना है, 3D भी बन जाएंगे वो, फिर हम नेक्स्ट वाले में करेंगे, 3D वाला भी फिलहाल नॉर्मल वाला कर लेते हैं। ठीक है, अब यही स्टाइल सबको देना है ना, क्लिक करेंगे इस पर, फॉर्मेट पेंटर अप्लाई, फॉर्मेट पेंटर अप्लाई, फॉर्मेट पेंटर अप्लाई, सही है। वो फिर तीनों को सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट के साथ और उस पर क्लिक करके यहाँ से हमने कलर को चेंज कर दिया। लेट्स सपोज यहाँ पे ये कलर स्कीम यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, ये भी अच्छी लग रही है, ये वाला भी अच्छी लग रही है, तो ये हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको कम कर लिया। अब एड्रेस वाले मामले के अंदर हमें शो करना है लोकेशन का आइकन, तो अब कोई ऐसा आइकन जो आपको रिक्वायर्ड है, जैसे लोकेशन का आइकन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे लिया अपने लोकेशन आइकन PNG। ठीक है, ये आ गया आपके पास, कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, ये वाला आइकन चाहिए, क्लिक किया यहाँ पे, राइट बटन दबाया, अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसको किया यहाँ से, तो आपकी इमेज एड्रेस यहाँ गए इस पर, इसको कहा यहाँ पे, ये तो काम हमारा हो गया ना, दोबारा से वेबसाइट को क्लिक किया, रीलोड करेंगे, रीलोड होकर यहाँ पे क्लिक करेंगे URL पर, क्लिक करेंगे यहाँ पे पास करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास डाउनलोड हो गया, ये सब डाउनलोड के फोल्डर में जा रहे हैं। जैसे मैं अब इनके नाम चेंज कर लेता हूँ, जैसे लोकेशन आइकन, ठीक है, और इसका मैं नाम रख लेता हूँ गर्ल, गर्ल सेल, चलो सेलिंग ऑफर, सेलिंग ऑफर, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? ठीक है, तो यहाँ से हम चले गए कहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स में, और मैंने अपने फोल्डर में ले जाके इनको यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ से राइट बटन दबा के सॉर्ट बाय पे क्लिक करके डेट पे रखा हुआ ऑलरेडी सेव कर दिया, सबसे टॉप पर आ जाएंगे।
अब मैं अपने पावर पॉइंट में कैसे लूंगा, इसको क्लिक करूंगा यहाँ पे इंसर्ट, और इंसर्ट में जाके क्या करूंगा, पिक्चर, तो ये आ गया पिक्चर, दिस डिवाइस क्लिक करेंगे और वो इसी फोल्डर में आ गया, लाइक ये रहा आइकन, इसको लिया तो ये देखिए आइकन कितना ज़बरदस्त किस्म से आया, और इसको हम यहाँ पे लेके यहाँ पे दिखाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए कुछ बैकग्राउंड अच्छा सा ले लेते हैं, जो अच्छा सा कलर है इसके ऊपर जो स्कीम लगेगी वो ये वाला ले लेते हैं, और इफेक्ट्स में ओहो इफेक्ट्स तो ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा क्या, क्लिक करते हैं इफेक्ट्स, इस शेप पे इफेक्ट नहीं लग पा रहा, शायद कोई इसकी कोई रीज़न रही होगी, ठीक है इस तरह से। तो शेडोज दे देते हैं हल्का फुल्का, बैकग्राउंड पर शेड आ जाएगा, तो ये देखें इस तरह से आपका मामला क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो देखिए छोटी मोटी पिक्चर लगाने से और आइकन्स लगाने से कितना अच्छा काम हो जाता है, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी चीज़ों को समझने में, एडजस्ट करने में। और भी मुख्तलिफ किस्म के आइकन्स हैं जो आप लगा सकते हैं, जो इस पर यूटिलाइज कर सकते हैं, अच्छे लगेंगे, जैसे व्हाट्सएप के, फेसबुक के, अगर आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का पूरा सोशल मीडिया किट लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लिक करके आपने क्या करना है, अब इंसर्ट में जाना है, यहाँ से क्लिक करना है वर्ड आर्ट पर, और वर्ड आर्ट पर क्लिक करके आपने इसको उठा के वर्ड आर्ट के ऊपर रख लेना है, क्लिक करना है यहाँ पर। अच्छा अब थोड़ा सा एक और चीज़ सिखाता हूँ आपको, ना फॉन्ट्स हमें मज़े वाले नहीं मिलते, क्या करें, अच्छे फॉन्ट्स चाहिए, तो मेरे पास अच्छे फॉन्ट्स हैं नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, न्यू लिखिए, ठीक है। अब ये मेरे पास फॉन्ट है लेकिन इससे अच्छा फॉन्ट नहीं है, चलिए एक और चीज सीखते हैं, यहाँ चलते हैं google.com फ्री फॉन्ट्स डाउनलोड, चलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मिलेगा फॉन्ट्स 1001 फ्री फॉन्ट्स डाउनलोड पर, सही है। अब यहाँ पे देखें कई सारे फॉन्ट्स हमें मिल जाएंगे, अब मुझे कौन सा फॉन्ट चाहिए ए बी सी डी लेटर्स के हवाले से। अब यहाँ पे आपको थोड़ा आसान भी करके दिया है उन्होंने, भाई तुम्हें क्या बनाना है, ब्रश के हवाले से चाहिए, एनिमल के हवाले से चाहिए, बिट मैप, ब्लर, कलर, कर्ली, ईस्टर, डीप डॉटेड, फायर, हेडलाइन चाहिए, कैसे चाहिए फॉन्ट्स, तो हम कहते हैं हमें हेडलाइंस फॉन्ट चाहिए, क्लिक किया हेडलाइंस पर, ये सारे हेडलाइंस फॉन्ट आ गए, कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला, ये अबे तो बहुत बुरा लगेगा, ये अच्छा लग रहा है। इसकी भी और कैटेगरीज है, इसको करेंगे डाउनलोड, ही फ्री में डाउनलोड करेंगे, ऐसा नहीं होगा, अब होगा कैसे, ये देखिए ये डाउनलोड होके आ गया आपके पास यहाँ पे, ये जिप फाइल में आया आपके पास, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैंने फॉन्ट्स के नाम से कोई फोल्डर बनाया, इसको मैंने ऐसा नहीं इंट्रोड्यूस होगा ना, इसको कराना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे हम जाके फॉन्ट्स का एक फोल्डर बना लेते हैं, उसके अंदर ये फाइल को रख देंगे, अब इसको करेंगे अनजिप, ये अनजिप होके आ गए हमारे पास फाइल, PM, ये चार फाइल्स हैं, तो सबको सेलेक्ट किया हमने, नहीं इनमें सिर्फ जो फाइल यूज़ होगी वो TTF फाइल यूज़ होगी, आई थिंक ये दो फाइल्स हैं, ये इसके साथ की फाइल्स की है, MBMM, बराबर चारों को कॉपी कर लें। अब यहाँ से आप जाएंगे कंट्रोल पैनल में, और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आप यहाँ से क्लिक करेंगे लार्ज आइकन्स पे, यहाँ से आप जाएंगे फॉन्ट्स में, अब फॉन्ट का नाम आपको याद रखना है कौन सा है, ठीक है, राइट बटन दबाएंगे और क्या कर देंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे क्लोज करें, इसको क्लोज करेंगे, वो दो फाइल्स इंस्टॉल होंगी, थ्री ऑफ फॉन्ट्स में से ये इंस्टॉल हो गए। फॉन्ट का नाम है मास्क, क्या नाम था फॉन्ट का, MASK मास्क। अब क्या करना है आपने, ये पावर पॉइंट को अपने क्लोज कर देना है, एकदम नहीं मिलेगा ये, क्लोज कर दिया फाइल को, इसको भी क्लोज कर देंगे यहाँ से। अब आपने दोबारा से पावर पॉइंट को लोड करना है, और यहाँ पे अपनी फाइल को लोड करना है, यहाँ से क्लिक करना है कंट्रोल ए, और यहाँ पे सर्च करना है फॉन्ट को मास्क, सही है, हो गया इंस्टॉल, ठीक है। और इस तरह से अपनी मर्जी के मजे मजे के फॉन्ट्स डाउनलोड करके अपने पोस्टर्स को बेहतरीन बनाएंगे, कैसा लग रहा है, सिर्फ फॉन्ट से कितना इसमें फर्क आ गया, ठीक है ना, फॉन्ट ही जो है हमारे इसको इंप्रूव करता है,
ओके, समझ में आ गई बात ये? अब मेरा ख्याल है कि पूरा कोर कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा दिया तुम्हें, अब तो बना लोगे इसको कंप्लीट। तो आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, लगा सकते हैं अपनी मर्जी के, यूटिलाइज कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, इमेजेस कैसे डाउनलोड करते हैं। अब आपको कोई नहीं रोक सकता एक बेहतरीन किस्म का एडवर्टाइज